ये देख और लो। वो भी कार्गो। और हमेशा ना ये कोइंसिडेंटली होता है, मैं तो रेडी होकर तैयार हो गया था उसके बस। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो आज तो हम सुबह सुबह दोनों रेडी हो चुके हैं। कितने बज रहे हैं अभी? अभी बज रहे हैं 5:30। हाँ, सुबह के बज रहे हैं 5:30 और हम इतनी जल्दी रेडी इसीलिए हो चुके हैं क्योंकि 6:40 की है मेरी ट्रेन और मैं जा रहा हूँ अपने होम टाउन राजपुरा। अब मैं सिमी से थोड़े दिन दूर रहूंगा तभी इनको मेरी वैल्यू पता लगेगी क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा हल्के में लेने लगे थे, मेरे से इतना लड़ाई झगड़ा करते थे। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ भी। तो इंसान के पास जब सारा टाइम रहो ना तो वो कदर भूल जाता है। पहले मेरी मम्मी मुझे डांटती थी सारा दिन क्योंकि मैं मम्मी के साथ कुछ रहता भी, था। कुछ भी। अब मम्मी को मेरी वैल्यू पता लग गई है कि मतलब बेटा कितना कीमती होता है। ऐसे ही सिमी के साथ मम्मी पापा तो डांटती हैं, क्या हो गया फिर? तो आप मेरे साथ कितना लड़ते हो ये भी तो बताओ। मैं तो कुछ भी नहीं लड़ती। तो ठीक है यार, अब मैं जा रहा हूँ और सिमी से मिलूंगा मैं थोड़े दिन बाद। तब तक आप चैन से रहना, ठीक है? चैन से क्या रहना, अभी तो मैं आपको छोड़ने जा रही हूँ। एक एक टाइम, एक एक मिनट, एक एक सेकंड सुकोड़ती हूँ मैं इनसे जब जाते हैं। आज हम सारी रात नहीं सोए, सारी रात, क्योंकि हमने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना था। अब हम मिलेंगे कितने, 7 दिन बाद मिलेंगे। हाँ जी, 7 दिन बाद मिलेंगे। हमने किया क्या क्या पूरी रात जाग के? हमने वीडियोस बनाई हैं, थोड़ा सा खाना पीना खाया है, उसके बाद हम फ्रेश हो गए, बस रेडी हो गए जी। हाँ तो बस अभी मेरा पेट भी फुल हो चुका है, फुल खा पी के मैं अभी। अब सिमी मुझे जा रही है स्टेशन पे छोड़ने नीचे गाड़ी से। यस, उसके बाद हम मिलेंगे काफी टाइम बाद। सिमी, आई विल मिस यू सो मच। लगता तो नहीं, आप तो खुश दिख रहे हो मुझे। व्लॉग में देख लूंगा आपकी कितनी एक्साइटमेंट है, मुझे तो दिख रही है लाइव में। पिछला व्लॉग भी देख लेना, मैं रोती रोती आई थी, एक अच्छी गाड़ी लग गई। हां ये तो उसके पे। तो चलो ठीक है, मिलते हैं आपको नीचे जाके। ये देखो सिमी ने भी आज व्हाइट डाला है, नीचे ब्लैक, मैंने भी व्हाइट और ब्लैक डाला है। ये देखो, और वो भी कार्गो। और हमेशा ना ये कोइंसिडेंटली होता है, मैं तो रेडी होकर तैयार हो गया था, उसके बाद सिमी वहां से अपने कपड़े लेके आए। सिमी कहती है आप भी व्हाइट डाल रहे हो, हमारे साथ ऐसा कई बार होता है। हमेशा होता है, हमेशा। हाँ, हमेशा हम ट्विनिंग करते हैं, वो भी बाय मिस्टेक। देख लो मैं आपकी कितनी सुनता हूं। और हम हमारे अंदर ये भी बात है कि हम वर्ड्स भी साथ में बोलते हैं, सारे वर्ड्स भी साथ में बोलते हैं और लिखते भी स्टार्टिंग से सारे वर्ड साथ में, और हम एकदम शॉक्ड है, सेम टाइम पे सेम वर्ड, ऐसा कैसे कर सकता है कोई? इसीलिए हमारी जोड़ी मुझे लगता है ऊपर से बन के आई है। आपकी मुच्छे बन रही है, देख लो। जाओ बाबू, सनस्क्रीन टैप करो। मैंने लगाई नहीं सनस्क्रीन। तो ये क्या लगाया? कुछ भी नहीं लगाया। ये वाइट वाइट सा हो रहा है, ये क्या हो रहा है? कुछ लगाया हमने? पसीना है बाबू, कुछ भी नहीं है। सफेद पसीना आता है आपको? ये देख लो गाइस, सिमी की मुच्छे देख लो। नहीं है कुछ भी। तो ठीक है, अब हम जाते हैं नीचे, मिलते हैं आपसे। मैं तो मिलूंगा हफ्ते बाद। तो अभी हम आ चुके हैं नीचे। एडी जी देख रहे हैं मत्था भगवान जी को। हाँ कर लो डांस। क्या मैं तो आने में टाइम लगाता है अभी। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैं अंदर से खुश हूँ लेकिन मैं अंदर से सैड हूँ। अच्छा। लड़कों की यही खासियत होती है, वो एक स्माइल से ऐसे दिखाते हैं कि वो खुश है। एक्चुअल में मेरा दिल ऐसे हो पड़ा। अच्छा, सच में ऊंचो ऊंचो मत करो, सच बात है। तो फिर क्या करूँ, ऊंचो ऊंचो ना करो। देखना पता नहीं क्या क्या बोली जाते हो। अरे बाबू ये सामान का है, चुराते भी पता क्या, मुर्गियाँ चुराते हैं लोगों की। चुप, गाड़ी से मुर्गियाँ चुराई हैं। ए सीरी, क्लोज द डोर। शट होता ना कि क्लोज होता है, बंद कर दो फिर मैं बोलेगा ठीक से बंद। शट द डोर, शट द माउथ होता है। बताओ गाइस, शट द माउथ होता है कि शट द डोर होता है? शट द डैश अप। क्यों ये कट कर देना, ये मत लगाना। नहीं, मेरी मम्मी गाली देगी मुझे, तो देनी ही पड़ेगी। गाइस हम जा रहे हैं इस कार से जो कि मेरी फेवरेट कार है। कौन सी? सेंट्रो। सेंट्रो से ही भेजूंगी आज आपको, जाओ फिर। सब वर्कआउट कर लूं? हाँ जी, जिम की फीस भरवा रखी है इस लड़के ने मुझसे 4 महीने की, अपनी भी मेरी भी, और जाना मुना है नहीं। जब से जिम हमने ज्वाइन किया, हम मुश्किल से मुश्किल ना, हम जिम में मुश्किल से मुश्किल सच में 10 दिन गए होंगे। नहीं नहीं, 20 दिन गया, मेरे पास रिकॉर्ड पड़ा है। नहीं 10 दिन गए हैं यार। रिकॉर्ड से क्या होता है, मैं सच बता रहा हूं, लड़कियों पे भरोसा नहीं करना चाहिए, बस आप मेरी बात समझ। हां ऊपर देख के ना आसमान में तब झूठ बोला करो।
कोई बात नहीं, वो आ गया मयंक भी आ गया। तुमको लाया चाबी है अपनी? मयंक अपनी चाबी से गाड़ी चलाता है। इस वाली चाबी को मनुष्य बोलते हैं। चाबी के बाद ये होता है गाड़ी का। और सिमी आगे से इसकी वाली चाबी लेके जाना, ठीक है? फिर ठोक के आना। अरे खड़ी खड़ी ठुक जाती है, मैं कोई ऐसे एक्सीडेंट थोड़ी ना कर देती हूँ, लोगों के बीच में लेके होने बढ़ जाती हूँ यार। होना होता तो वो तो हो ही जाता है यार, जो होना है मैं क्या करूँ बताओ आपको। मुझे होना तो इधर से भी हो सकता था, पर इधर से तो नहीं हुआ ना, उधर से ही हुआ जी। और ये सर क्या तुम वाली हंसी दे रहे हैं? कोई बात नहीं, आप देख लो क्या होगा। सत्यम शिवम सुंदरम बता दूंगी आपको। लोग ऐसे ले कुछ नहीं बोल रहा, आप लोग के पीछे तो देखना अभी। चलो चलो बैठ जाओ, मिलते हैं गाइस इनको स्टेशन छोड़ के ट्रेन में बैठा के। ये देखो मुझे एडी ने क्या दिया है, गोल्डन रोज। कुछ मैं भी एडी बदनाम करता हूं। एडी ने बिल्कुल फ्रेश दिया था तुम्हें। ये वो है बंदर का, हनुमान जी के। मुझे लगा बोले बंदर का। मुझे भी बंदर का ना, इसीलिए। चलो गाइस टाटा बाय बाय, छोड़ के आते हैं। खुश देख लो सिमी कितनी है। मुझे मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। ये तो मुस्कुराहट बता रही है, झूठ। अरे फिर खराब हो गया यार। तो अभी हम आ गए हैं स्टेशन। अच्छा, और बहुत ही ज्यादा रिक्शे में मत घुस जाना। यहाँ पे स्टेशन पे हमने गाड़ी भी वहाँ लगाई है इतनी दूर। ये देखो इतना ज्यादा रश है स्टेशन पे सुबह सुबह ही, और अभी हमें प्लेटफॉर्म ढूंढना है, फिर सीट ढूंढनी है, फिर आईडी को बिठाना है। इन्होंने कुछ नहीं करना, वहाँ मुझे लात मार दो। बाबू आप इतना गलत बोलते हो यार, सारा रश इसीलिए सिर्फ मेरे को मिलना है। मेरे से ज्यादा तो एडी के फैन है, मेरे तो कोई फैन नहीं, जीरो फैन। क्यों मुझे गालियां पड़वाना चाहते लोगों से? ओए ये देखो, ये तो सिमी का वो है दूसरा भाई। भाई देखना, मैं कुछ गलत नहीं बोलना चाहती आपको व्लॉग में। अच्छी व्लॉग में नहीं बोलना चाहती है भाई, सच बता दिया, व्लॉग में नहीं बोलना चाहती। थैंक यू भगवान जी, सिमी ने सच बता दिया, व्लॉग में नहीं बोलना चाहता, रियल में तो इतना बोलते हैं। मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहती, ये सब काट दूंगी मैं, क्योंकि एडिट से मैं करूंगी। मारूंगा भी बहुत आपको, मेरी किस्म में काटना नहीं है। ये डलेगा नहीं? डलेगा, ये डलेगा नहीं? डलेगा। ओए रश देखो यार, तुम्हें किन्नौर रश, ऊपर बादल देखो कितने मस्त है। चलो तो मैं इन्हें छोड़ के ट्रेन में बिठाती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको कैसी होती है ट्रेन। दादी मैं मेरी सारा कुछ करेगी, मैं तो 2 साल का बच्चा हूँ, मेरे तो मस्ती। 2 साल का नहीं, आप 5 साल के बच्चे हो। मारो मारो एक इनके, मारो अकल आएगी भैया। नहीं तू देख सिमी भाई साहब। अच्छा वो पहले आ गए। तो भी हम जा रहे हैं ऊपर सेम शूज पहन के स्टेशन पे, आपको छोड़ने जा रही हूँ किसके ऊपर। मैं थक चुका हूँ, सो गया इस बोल बोल के। तो यार बस अब मैं बैठा हूँ अपनी सीट पे, ट्रेन चलने वाली है। अच्छा ये मैंने ये कब बोला कि मैं गाड़ी से जाऊंगा, मैं ट्रेन से जाऊंगा मनाली। मैं जाऊंगा ट्रेन से, ये मेरे पीछे आएंगे गाड़ी से, क्योंकि हमारी रेस हुई थी भी कौन पहले पहुंचेगा। ये कहते गाड़ी से जल्दी पहुंचता है, मैंने कहा नहीं ट्रेन से जल्दी पहुंचता है, तो पहले तो मैं ही पहुंचूंगा। ये खड़ी इनकी ट्रेन दिखाओ। तो मैं तो ट्रेन से जा रहा हूँ, लेकिन ये जाएगी मिस करोगी शक्ल से तो नहीं लगता। तो अभी हम आ चुके हैं घर, एडी को ड्रॉप करके स्टेशन पे, उनकी ट्रेन भी चल पड़ी होगी। और अभी हमने ली है बिरयानी तीन, मयंक ने, मैं नहीं खाती बिरयानी, तो मयंक ने ली है बिरयानी। और अब हम जा रहे ऊपर, हमारा घर हो गया है बिल्कुल, मन नहीं लगेगा अब घर में, बिल्कुल रौनक नहीं रही। तो आईडी होती तो रौनक